आज का जो प्लान है ये 25x30 में प्लान है। इसमें आपको 3 रूम, एक किचन, बरामदा, छोटा सा हॉल और टॉयलेट बाथरूम भी आप बना सकते हैं। एक्चुअली इसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं बना है, अगर आपको मैं ऑप्शन दे दूंगा उसके हिसाब से आप टॉयलेट बाथरूम भी आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आपको डिटेल बताते हैं। 25 फीट इसका विड्थ है, ये चौड़ाई जो है 25 फीट है, और लंबाई की बात करें तो ये 30 फीट है। 25x30 में प्लान बना है, ये टोटल गाँव के हिसाब से प्लान बना है। अगर स्क्वायर फिट की बात करें तो 750 स्क्वायर फिट आपका ये टोटल होगा दोस्तों। तो इस मकान में आपको टोटल 3 रूम आपको मिल जाएंगे, किचन मिल जाएगा, ये छोटा सा बरामदा, यहाँ पे एक छोटा सा हॉल, और ये आपका सीढ़ी इस तरीके से रहेगा दोस्तों। अब डिटेल की बात करें तो ये आपका फ्रंट हो गया, यहाँ से आपका सीढ़ी रखा गया, 2 फीट ऊपर रहे मकान, तो ये आपका जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये आपका बरामदा। साइज में बताऊंगा तो यहाँ पे साइज वगैरह भी लिखा है, तो अभी मैं पूरा वीडियो अंत तक देखें तो भी आपको सारा कुछ समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ से आप एंट्री करेंगे ये आपका एक बेडरूम हो जाएगा, ये आपका एक बेडरूम हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका दरवाजा जो बरामदे से दिया गया ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उसको ये बेडरूम यूज करने के लिए दे सकें दोस्तों। इस बेडरूम में 2 विंडो लगेगी, एक फ्रंट में एक इस साइड में आपका रहेगा। उसके आगे यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये आपका हॉल एरिया, छोटा सा आपका हॉल एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, और यहीं पे ही आपको किचन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको एक किचन मिल जाएगा, किचन की प्लेटफॉर्म भी आपको इस तरीके से मिल जाएगी। किचन की जो प्लेटफॉर्म है 2 फीट आपको कास्टिंग करना पड़ेगा दोस्तों। बैक साइड में आपको 2 बेडरूम यहाँ पे मिल जाएंगे, ये बैक साइड में आपको 2 बेडरूम यहाँ पे मिल जाएंगे। इस साइड में आपको सीढ़ी इस तरीके से डॉग लेग में आपको सीढ़ी मिल जाएगा। अब बात करते हैं टॉयलेट बाथरूम का, तो इसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं बना है, अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे इसके नीचे आप ये बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से प्लान का डिटेल है। विड्थ की बात करें तो 25 है, लंबाई की बात करें तो 30 फीट है, 25x30 में प्लान बना है। अब साइज की भी हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका बरामदा हो गया, ठीक है, 8 फीट 9 इंच, 11 फीट 11 इंच इस साइड में है आपका। और ये जो बेडरूम आपका गेस्ट रूम था उसका साइज जो है 10x12 का आपका साइज है। यहाँ पे आप बात करें तो ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा, ये आपका किचन हो गया। किचन के साइज की बात करें तो 6 फीट x9 फीट 10 इंच का। बैक साइड में आपको 2 बेडरूम 11 फीट 7 इंच x 10 फीट का, 11 फीट 7 इंच x 10 फीट का, और ये आपका सीढ़ी रहेगा। सीढ़ी की साइज की बात करें तो आपका इस तरीके से 3 फीट वाइड आपको सीढ़ी मिल जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से इस प्लान का टोटल डिटेल है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को लाइक करने से कुछ नहीं जाता, प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। तो वीडियो से जुड़े रहें ऐसा ऐसे खूबसूरत खूबसूरत प्लान देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।